टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग मोबाइल इन जनवरी। हाँ दोस्तों, न्यू साल स्टार्ट हो चुका है और इंडियन मार्केट पे जनवरी पे बहुत सारे मोबाइल लॉन्च होगा। हाँ दोस्तों, 10 से भी ज्यादा मोबाइल सिर्फ जनवरी मंथ में लॉन्च होगा। तो कौन कौन से है वो डिवाइस, क्या क्या फीचर मिलेगा, कौन सी डेट पे लॉन्च होगा, प्राइस कितना होगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहना और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही देख सकते हो मैं अभी फ्लिपकार्ट की मोबाइल सेक्शन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे जनवरी पे बहुत सारे मोबाइल लॉन्च होगा इंडियन मार्केट पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी मोबाइल कौन सी डेट पे लॉन्च होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट 13 सीरीज, जो इंडियन मार्केट पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसकी जो फर्स्ट सेल वो 10 जनवरी को होने वाला है। इस सीरीज पे आपको 3 मोबाइल देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बेस होगा वो है रेडमी नोट 13 5G, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेडमी नोट 13 Pro 5G, और दोस्तों उसके बाद आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 13 Pro Plus 5G, जो इस सीरीज के हायर वेरिएंट होने वाले हैं। और दोस्तों बात करें डिस्काउंट की, यहाँ पे आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट सेल पे। तो आप अगर रेडमी की नोट सीरीज के दीवाने हो तो इस मोबाइल को जरूर देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे और तगड़े तगड़े फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको अगर 15 to 30,000 के अंदर रेडमी की कोई भी डिवाइस लेना चाहते हो तो यहाँ पे मिल जाएगा, तो इससे आप चूज कर सकते हो। इसलिए इसकी जो नेक्स्ट डिवाइस वो आने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो X100 सीरीज। जैसे कि पता है वीवो की X100 सीरीज कैमरे के लिए जाने जाते हैं। तो आपको अगर प्रीमियम रेंज में एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल चाहिए तो इसके साथ जरूर जा सकते हो। यहाँ पे आपको काफी अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाए, एकदम DSLR लाइक। तो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस के लिए जरूर ले सकते हो, काफी शानदार सा और काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और दोस्तों वही पे बात की इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस वो 90,000 रहने वाला है। और दोस्तों बात करें सेल की, तो दोस्तों ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्री बुक है वो भी स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही दिन में इसका सेल भी स्टार्ट होगा। तो आप अगर प्री बुक भी करना चाहते हो तो इसको बाय कर सकते हो, यहाँ पे प्री बुक का ऑप्शन अनेबल हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस आता है मोटो की तरफ से, मोटो G30 5G। तो दोस्तों ये डिवाइस एक बजट 5G डिवाइस होने वाले हैं, जहाँ पर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे अच्छे फीचर मिल जाए। बात करें लॉन्च डेट की, तो 8 जनवरी 12 PM मतलब काले ये लॉन्च होगा। तो आप अगर बाय करना चाहते हो जरूर कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे फीचर इस पे भी आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों इस लिस्ट की जो नेक्स्ट डिवाइस वो आता है पोको की तरफ से, पोको X6 सीरीज। तो यहाँ पे देख सकते हो तो एक गेमिंग डिवाइस होने वाला है, जहाँ पे आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, 1.4 मिलियन से भी ज्यादा एंथ्रो स्कोर मिलेगा इसकी चिपसेट की। तो समझ सकते हो ये इस प्राइस पॉइंट पे एक गेमिंग डिवाइस होने वाले काफी पावरफुल सा। तो आपको अगर चाहिए एक गेमिंग डिवाइस तो आप इसके लिए जरूर वेट कर सकते हो, ये 11 जनवरी इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाला है 5:30 PM पे। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो रेनो 11 सीरीज। जैसे ये पता है रेनो सीरीज इंडियन मार्केट पे काफी पॉपुलर है इसकी प्रीमियम लुक और कैमरा की वजह से। तो आपको अगर चाहिए एक कैमरा सेंट्रिक मोबाइल अंडर 30,000 के अंदर तो इसके साथ जरूर जा सकते हो, या फिर आपको काफी अच्छे अच्छे फीचर और काफी अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिल जाएगा। और दोस्तों वही पे बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये जो डिवाइस है ये इंडियन मार्केट पे 12 जनवरी को लॉन्च होने वाला है, तो आप इसे बाय कर सकते हो। वही पे बात करें बजट डिवाइस की, तो इनफिनिक्स इंडियन मार्केट पे एक बजट डिवाइस लॉन्च करने वाला है इनफिनिक्स स्मार्ट HD। तो आपको 6 to 7,000 के अंदर अगर एक अच्छी बजट स्मार्टफोन चाहिए 4G वाला तो इसके साथ जरूर जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको बजट के हिसाब से काफी तगड़े तगड़े फीचर मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। वही पे बात करें लॉन्च डेट की, तो ये 13 जनवरी इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाले है। और दोस्तों नेक्स्ट एक डिवाइस आने वाला है रियलमी की तरफ से, जो इसकी जो ट्रीजर है वो अभी अनस्टार्ट हुआ है, तो एक एक करके और भी इसके अपडेट आएगा, अभी कुछ बताया नहीं है कंपनी ने, पर 1 जनवरी की एंड तक इंडियन मार्केट पे आ जाएगा। सिर्फ एक ही फीचर इसके लीक के द्वारा आया है, यहाँ पे जो कैमरा है आपको 200 मेगापिक्सल का रहने वाला है, मैक्सिमम चांस है ए 11 सीरीज का सक्सेसर 12 होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा फ्लिपकार्ट की सभी डिवाइस, आप बात करते हैं अमेज़न पे कौन कौन सी डिवाइस जनवरी पे लॉन्च होने वाला है।
तो दोस्तों नेक्स्ट जो डिवाइस आने वाले वन प्लस की तरफ से वन प्लस 12i, और दोस्तों ये डिवाइस जनवरी 23 को लॉन्च होने वाला है। तो एक प्रीमियम सेगमेंट की डिवाइस होने वाला है। तो आपको अगर वन प्लस की डिवाइस पसंद है तो इसकी सेटअप जरूर जा सकते हो। 23 जनवरी को ये इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाला है। वही बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, तो दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी IQ की तरफ से और एक ब्रांड न्यू डिवाइस देखने को मिलेगा, IQ New 9 Pro, जो बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये डिवाइस एक प्रीमियम सेगमेंट की डिवाइस होने वाला है, जहाँ पे आपको काफी तगड़ी तगड़ी फीचर और परफॉर्मेंस मिल जाएगी। दोस्तों वही पे बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो ये 2024 की फरवरी मंथ में इंडियन मार्केट पे लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट, आपको अगर बजट डिवाइस चाहिए अंडर 6000 के अंदर एक 4G वाला, तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हो। ये है टेक्नो की तरफ से टेक्नो पॉप 8 आप। तो टेक्नो की ये न्यू एक डिवाइस है जो लुक वाइज और फीचर वाइज काफी तगड़ी है। तो बजट में आपको डिवाइस लेना चाहते हो तो जरूर इसके साथ जा सकते हो। बात करें लॉन्च डेट और सेल डेट की, इसकी जो फास्ट सेल है वो 9 जनवरी को 12 PM पे होने वाला है। तो उस दिन इसे आप बाय कर सकते हो 6000 के अंदर। तो दोस्तों यही था इंडियन मार्केट पे 2024 की जनवरी पे जितने सारे मोबाइल लॉन्च होने वाले सभी की डिटेल्स। तो वीडियो अच्छी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फ्यूचर में और भी देखने के लिए।